हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मेरे चैनल में स्वाति व्लॉग फरीदाबाद। और आज है 24 तारीख, बुधवार है, और ये वीडियो मेरे हस्बैंड ने भेजा था तो मुझे लगा चलो ये भी शेयर कर देती हूँ। और ये सीन मुझे बहुत अच्छा लगता है देखने में, जब बारिश होती है तो और भी ज़्यादा, तो मुझे लगा चलो शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ में। और ये है मेरे मायके वाला व्लॉग स्टार्ट हो गया अब। और यहाँ पर भी बारिश हुई थी लेकिन एकदम बहुत तेज़ बारिश हुई, उसके बाद तुरंत ही बंद हो गई थी। और उसके बाद तो थोड़ी देर के बाद ही धूप निकल गई थी बहुत तेज़। और मेरी मम्मी कह रही थी ये बारिश मुझे परेशान करने के लिए आई थी कि यहाँ पर तार पे सारे बहुत सारे कपड़े टांग रखे थे मेरी मम्मी ने, और जैसे ही टांगे उसके बाद ही बारिश शुरू हो गई थी। और वीडियो को पूरा देखना, माही ने अपना जो ड्रेस है, पार्टी वेयर ड्रेस है, उनका कलेक्शन दिखा रखा है, जो जो उसके पास ड्रेस है वही दिखा रखी है। और ये कुछ मम्मी के मैंने फ़ोटो खींचे थे, आज मैंने वही आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं इस वीडियो में। और आज भूमि माई ने दुकान से लगा रखी तो तब मेरी मम्मी ने उसमें से ये चश्मा लेके मतलब कि पहन लिया था, तो अच्छा लग रहा है चश्मा। और इस वक्त मेरी मम्मी टिकटॉक चला रही है, और मम्मी टिकटॉक बहुत ज़्यादा चलाती है, बहुत ज़्यादा देखती है टिकटॉक, उनको अच्छा लगता है। और अभी मेरी मम्मी जो है अरवी छील रही है, और मेरी मम्मी ने हाथों पर कोई तेल नहीं लगा रखा, कुछ नहीं ऐसा, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि अरवी छीलते हुए मेरे हाथों में खुजली होने लग जाती है। मेरी मम्मी के हाथों में खुजली नहीं होती, तो मेरी बहन के हाथों में खुजली होती है, तो उन्होंने बोला कि मेरी मम्मी ने बोला कि मैं छील देती हूँ और सब्ज़ी छोक दियो तू, तो मेरी बहन सब्ज़ी छोकेगी, उन्होंने सिर्फ छील के और काट के दे दिया है। और वैसे जिसके हाथों में मतलब कि खुजली होती है तो वो तेल लगा लो, रिफाइंड तेल या घी जो भी, तो उससे आपके हाथों में जो खुजलियाँ नहीं होंगी। तो बस सारी जो है अरवी छील ली है तो बस उसको काट रही है, और मेरी मम्मी इसी चक्कू से काटती है, जो आलू छीलने वाला जो चक्कू होता है उससे नहीं काटती है। और मेरी मम्मी बता रही थी इस वक्त कि मैं तो आलू भी इसी से छीलती हूँ, मैंने क्योंकि मैं बात भी कर रही थी इसीलिए। और जो हमारी बातें हो रही थी मैंने उसको हटा दिया है, क्योंकि वहाँ पर गाने भी चला रखे थे माही ने, तो इसीलिए मुझे वो हटाना पड़ा, और क्योंकि उस पर कॉपीराइट आ जाता है, इसी वजह से मैं ज़्यादा बातें नहीं सुना पाती हूँ, क्योंकि कोई मोबाइल चला रहा है जब ज़्यादा घर में होते हैं, तो इस वजह से हो नहीं, मैं रिकॉर्डिंग जैसे जो बातें करते हैं वही मैं नहीं दिखा पाती हूँ, सुना पाती हूँ आप लोगों को, पीछे से मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। तो अभी सब्ज़ी मेरी बहन छोक रही है, और इसने सरसों का तेल डाल दिया है कुकर में, और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसमें अजवाइन का तड़का लगाएंगी, जो अरवी होती है उसमें अजवाइन का तड़का लगता है। और टमाटर जो है उसने कद्दूकस से कस लिए हैं, उसके बाद उसने हरी मिर्च काटी है, तो तेल अच्छे से गर्म होने के बाद उसने इसमें अजवाइन डाल दिया है, थोड़ा सा जीरा भी डाल दिया है, उसके बाद तुरंत ही बाद इसने वो टमाटर और हरी मिर्च डाल दिए। तेल जो है थोड़ा सा ज़्यादा ही गर्म हो गया था, और जब तेल एकदम ज़्यादा गर्म होता है तो इसी वजह से वो एकदम बहुत ज़्यादा धुआँ हो रहा था उसमें। तो बस अभी इसमें मसाले डाल रही है, मसाले में वो ज़्यादा मसाले नहीं डालेगी, तो इसमें हल्दी है वो डाला है, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला है वो ऐड किया है इसमें, टमाटर अमचूर नहीं डाला क्योंकि टमाटर थोड़े खट्टे खट्टे से ही लग रहे थे इस वजह से, नहीं तो अमचूर भी डाल सकते हैं ज़्यादा खट्टी सब्ज़ी बनानी है तो। बस अरवी को अच्छे से धो लिया है, उसके बाद कुकर में डाल दिया, इसने मिक्स कर दिया है, और अभी मसाले के साथ अच्छे से इसने मिक्स कर दिया है, क्योंकि थोड़ी देर इसी तरह से भूनना चाहिए सब्ज़ी को, डायरेक्ट ऐसे पानी नहीं डालना चाहिए जैसे सब्ज़ी डालते हैं। तो उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल दिया, क्योंकि सूखी सब्ज़ी बनानी है, अगर तरी वाली बनाई तो उसमें थोड़ा सा पानी और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल सूखी सब्ज़ी वो बना रही है। और बस अभी इसने ढक्कन लगा दिया है, इसमें 2-3 सीटी के बाद सब्ज़ी बन जाएगी। और अभी आगे देखिए, इसने दोबारा ढक्कन खोल लिया, क्योंकि इसको याद आ गया था कि मैं नमक डालना भूल गई, और मुझे बोला कि तेरी वीडियो के चक्कर में मैं सब्ज़ी में मैं नमक ही डालना भूल गई हूँ, वो तो चलो भी याद आ गया, नहीं तो ऊपर से सब्ज़ी में नमक डालते तो ज़्यादा इतना अच्छा टेस्ट वो ख़राब हो जाता है सब्ज़ी का। तो इसने बस नमक डाल दिया है, फिर से ढक्कन लगा दिया है कुकर का। और ये वीडियो है 22 तारीख का, दोनों बहनों में झगड़ा हो रहा था कपड़ों को लेके, और किस किस का किस किस बहनों का ऐसा झगड़ा होता है कमेंट करके ज़रूर बताना। साफ हो जाएंगे। मैं भी जाऊंगी, नाजी रहेंगे किसी को भी अपने। दादी का यूज़ होगा।
अच्छा दिखाइयो अपने कपड़े, दिखा कौन कौन से है तेरे पास। ऐसे रोते नहीं है, बड़ी दीदी देते हैं बेटा। उसने नहीं दिए अपने कपड़े, कोई बात नहीं दे देगी, अब दे देगी, अब दे देगी। चल दिखा, एक एक ड्रेस दिखा पे। ऐसे बोलते बेटा, ड्रेस तो दिखा दे। भूमि तू ये वाली पहनेगी, दिखा मेरी तरफ मुंह करना इसका, अच्छा लग रहा है। इसके नीचे कैप्री पहन लियो, कैप्री है तो तेरे पास। वहाँ होती जब वहाँ कहाँ से पहनती थी, ये तो यहाँ पड़े थे तब इसका ही पहनती ना। नहीं पहनती मैं इसके एक भी कपड़े। अब आई पहन लेती हूँ। ये जैकेट है, इसके नीचे क्या पहनेगी? वाह कितना सुंदर है। इधर से तो दिखा गला वाला इसका। ये क्या लॉन्ग ड्रेस है तेरी? बहुत अच्छा लग रहा है तेरी ड्रेस तो। भूमि आ जा बेटा इधर, चल ठीक है मत दे, ठीक है मत दे, मत दे, दिखा दे। ये क्या लॉन्ग स्कर्ट लहंगा है ये क्या? अच्छा लग रहा है। इसके साथ दुपट्टा है, दिखा चुन्नी दिखा। वाह बहुत अच्छे अच्छे कपड़े तेरे पास तो। किसने दिलाए हैं सारे कपड़े? मम्मी ने, नानी ने दिलाया? ये किसने दिया था? कितने लहंगे हैं तेरे पास? तीन लहंगे हैं। वाह अच्छा लग रहा है। और भूमि तेरे पास कितने लहंगे हैं? एक है। ये पहन ले, सब तो अच्छी ये वाला दिखा माई। इसकी बाजू पे कट है येलो कलर की पे। ये तो मैंने दिलाया था ना? मैंने दिलाया था। हाँ मैंने तो दिलाया था ये जब ये मेरे घर गई थी। ये वही है और क्या। मम्मी नानी रे कितनी जल्दी बोली मैंने दिलाया था। ये तो मुझे छोटे रहेंगे मैं जल्दी जब लाने। तू सिर पे तौलिया क्यों ले रही है मम्मी? गंजी होने लग रही है तू तो। ये पहन ले, इनमें तो कोई सब ठाक है, चल ये के सब चल। अच्छा लग रहा है। ये जैकेट, ये भी तो वो चाहे तो वो है गाउन और जैकेट है ना। मम्मी ने तो नींद आ रही है, अभी सो के उठी हैगी अब फिर भी नींद आ रही है। बेल्ट है, चल अब सारे तय मार, तू ही मारेगी। गले का ना ही हो, पूरी दुकान लगा दी। अच्छा कितने कितने के बेच रही है बता? हाँ ₹200 कमा लिए। मतलब एक ड्रेस ₹2000 की? हाँ। वाह तू सही है। अरे ये वाला कितने का देगी? ये वाला ये 10,000 का। ओ 10,000 ये 10,000 का है। ये 2100 का था, इसने 5,000 2100 का इसका। हाँ
मन लगा बच्चों के कपड़े मामा कपड़े तो ज्यादा महंगे आ रहे हैं। ये वाला गुस्सा मत कर, जो दे रही अब ले ले बेटा, ले 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 दीदी जो लेना ले ले। कौन सा पहनना तू बता माई, तू कौन सा पहनेगी? हाँ माई तो वो पहनेगी जो मम्मी के पास है वो ले ले। तो इसको को भी एक लहंगा दे देना बेटा अपना। कौन सा लहंगा ले ले बेटा? नीले वाला ले ले, 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 ले। पहन के देख ब्लाउज। हाँ पहन के देख ले तुझे आएगा कि नहीं आएगा। अब हंस ले, अब रोते नहीं ऐसे, बहने बहने देती है बेटा, ऐसे नहीं करते, रो मत बेटा। जब तू उसके घर जाती है तो देती है ना। तूने पहनती इसके जुत्ती दी थी जो तू उसको वैली। जूता थे मेरे वाइट, तेरे वाले अच्छे नहीं थे ये किसका है? दिखा इसका सूट कमीज दिखा। ये दो गांव तो ठहर गया ना समुद्र दी, एक जो स्वाति जो। अच्छा ये जो वाला दिलाया था मैंने वो वाला ना दिलाया। समुद्र सुमन ने दिया था, इसी ने दिया था जो तीन वाइट ने था क्या फंस गई एक दिन मुश्किल तो बाढ़ है बहुत रो रो कम है। इसकी कमीज दिखा फंस गई आप बेटे। दो सूट है ना इसके पास? नहीं है लॉन्ग सूट है। हेलो एवरीवन, आज हम चैलेंज करने वाले हैं गोलगप्पे चैलेंज। हम दोनों ने 10-10 गोलगप्पे लिए हैं और थोड़े से आलू और एक कटोरे में चटनी है और मक्खी के गोलगप्पे का। तो अब हम स्टार्ट करते हैं गोलगप्पे चैलेंज कि कौन कितनी जल्दी गोलगप्पे खत्म करेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं गोलगप्पे चैलेंज। तो हम अब देखते हैं कि कौन कितनी जल्दी गोलगप्पे खत्म करेगा। हम दोनों कह रहे हो गोलगप्पे बहुत पसंद है।
मैं तो गए, मैं जीत गई, मैं फर्स्ट आई हूँ। तुम बाहर गई मैं तो जीत गई। फिर वो कितना हार गई? हाँ बहन, हार जीत तो चलती रहती है। हाँ हार जीत तो चलती रहती है, और क्या। अगर आपको हमारा कमेंट में बताइए ना।